सिर्फ एक ही दिन में अफगानिस्तान में इतना बड़ा बदलाव आएगा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी अपना देश छोड़ के भाग चुके हैं, ये ऑफ कोर्स प्रेशर में ही भागे हैं बिकॉज ऑफ तालिबान। और आज के समय ये हैं तजिकिस्तान में और अब अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं अब्दुल गनी बरादर। सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि अब्दुल गनी बरादर को 2010 में पाकिस्तान की ISI ने कैप्चर कर लिया था और उसके बाद 2018 में USA की रिक्वेस्ट के बाद इनको छोड़ा गया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर तालिबान को लीड किया और आज के समय तालिबान ने कब्जा लिया है अफगानिस्तान को। ये जो यहाँ पर डेवलपमेंट है ये देखकर कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं दुनिया भर में ये यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं USA पर कि इन्होंने अफगानिस्तान के लोगों की बलि देकर एक अपना पपेट तालिबान के थ्रू बिठा दिया है अफगानिस्तान में। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि USA से हुआ यहाँ पर डबल ब्लंडर। इन्होंने एक आदमी को 2018 में छुड़वाया और फिर वही आदमी आज के समय इनकी ट्रेन की गई अफगान फोर्सेस को हराकर काबुल को कब्जा चुका है। इधर वे दिस इज वेरी बैड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड में वही लोग सफर करेंगे।